हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टार्टस में। और यार आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर अर्शद खान की रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एज अ डायरेक्टर अर्शद खान की डेब्यू मूवी थी 1993 में रिलीज होने वाली आदमी, जिसकी लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। और इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अर्शद खान कितनी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशियो क्या रहा, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, एज अ डायरेक्टर अर्शद खान की डेब्यू मूवी थी आदमी। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, हरीश कुमार और अजीत शामिल थे। यह फिल्म 1 अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई। आदमी एक एक्शन क्राइम रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 85 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर आदमी एक हिट फिल्म साबित हुई। अर्शद खान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अपने दम पर। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, आसिफ शेख, शक्ति कपूर और रजा मुराद शामिल थे। यह फिल्म 15 मार्च 1996 को रिलीज हुई। अपने दम पर एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 76 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 3 करोड़ 2 लाख और बॉक्स ऑफिस पर अपने दम पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अर्शद खान की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी दादागिरी। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अयूब खान, सिमरन, रीतू, पूर्णा संगुप्ता, पुनीत इसर और शक्ति कपूर, कादिर खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। यह फिल्म 8 अगस्त 1997 को रिलीज हुई थी। दादागिरी एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 4.6 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 66 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर दादागिरी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अर्शद खान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जाने जिगर। फिल्म की लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, ममता कुलकर्णी शामिल थे और यह फिल्म 1 फरवरी 1998 को रिलीज हुई थी। जाने जिगर एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 3.9 स्टार दिए गए थे। 1 करोड़ 75 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 33 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2 करोड़ 29 लाख और बॉक्स ऑफिस पर जाने जिगर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। अर्शद खान की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी पहली नजर का पहला प्यार, लव एट फर्स्ट साइड। फिल्म की लीड कास्ट में अयूब खान, दिवेक कैक, सीडी छाबरा और अलबाज अली खान शामिल थे। यह फिल्म 14 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। पहली नजर का पहला प्यार एक रोमांटिक मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5 स्टार दिए गए थे। 75 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 2 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 3 लाख और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। अर्शद खान की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी ट्रम्प कार्ड। फिल्म की लीड कास्ट में विक्रम कुमार, उर्वशी चौधरी, मानसी डोभाल और शीतल बेदी शामिल थे। यह फिल्म 12 मार्च 2010 को रिलीज हुई थी। ट्रम्प कार्ड एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 3.2 स्टार दिए गए थे। 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 2 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 7 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ट्रम्प कार्ड भी एक डिजास्टर मूवी साबित हुई और यही एज अ डायरेक्टर अर्शद खान के करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। तो व्यूअर्स, अर्शद खान ने अपने कंप्लीट करियर में 6 मूवीज को डायरेक्ट किया है जिनमें से उनकी सिर्फ 1 मूवी हिट रही, बाकी 2 मूवीज फ्लॉप और 3 डिजास्टर रही। तो इस हिसाब से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अर्शद खान का सक्सेस रेशो रहा 16.67%। तो व्यूअर्स, ये थी डायरेक्टर अर्शद खान की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज अ डायरेक्टर अर्शद खान की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल मेहसान स्टार्टस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।